नौजील थाना क्षेत्र के शलगांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने भिड़कर जमकर लाठी डंडे और फरसा बलम चली। महिलाओं सहित एक दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। नौजील थाना क्षेत्र के सलगांव में मंगलवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर राजेश एवं रघुवर दयाल के परिवार आपस में भिड़ गए और जमकर गाली गलौज होने लगी। देखते ही देखते लाठी डंडे दोनों पक्ष की ओर से चलने लगी, वहीं एक दूसरे पर प्रहार भी करने लगे, जिसमें दोनों पक्षों से महिलाएं सहित एक दर्जन के लगभग लोग घायल भी हो गए। एक पक्ष ने घायल जगवीर बीना देवी, वहीं दूसरी पक्ष के घायल राजेश सुरेश मनोज ललितेश सुखदेव पुनिता पूजा आदि लोग घायल भी हो गए। ललितेश द्वारा बताया गया कि जमीनी हमारी है और रघुवर दयाल जबरदस्ती पर उस पर कब्जा करना चाहता है। आज सुबह उन्होंने हमें घर से घेर कर हम पर हमला कर दिया है, सभी को अधभरा भी कर दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर देकर घायलों को डॉक्टरी मायने के उपचार के लिए नौजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया है। क्या नाम भैया तुम्हारा? नाम ललितेश। कहाँ के रहने वाले हो? सल के। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि उन्होंने मेरे पापा काम कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, ऊपर से उन्होंने आकर पहले रोरा चलाने के बाद फरसा बल्लम चलाए उन्होंने कहा सारे परिवार वालों पे, मेरे वालों पे पूरे बिकल संदीप और रघुवर दयाल और उनकी घरवाली और एक उनकी लड़की चंचल और एक उसका भाई है तुलाराम, उन्होंने आकर के फरसा और बल्लम से हमला किया है हम पे है का। कितने लोग घायल हुए? वो हमारे उनके खाली दो ही लोग हैं का, हमारे सात लोग घायल हुए हैं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है, आकर के तहरीर दे दी है थाने में है का, आकर के अभी डॉक्टरी माना हो रहा है यहाँ पे।